आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अभी तक भी जीएसटीआर 3B में आईटीसी कैसे लिया जाए, आईटीसी को कैसे रिवर्स किया जाए, ये क्लियर नहीं है। आज सुबह ही मैंने ठीक है यूट्यूब पर एक क्वेश्चन पोस्ट करा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% लोगों का जवाब गलत था। अगर आप इस कम्युनिटी के क्वेश्चन को देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोगों का जवाब गलत है। अब क्या गलत है, क्या सही है आईटीसी लेने की प्रक्रिया, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब भी हम आईटीसी लेते हैं, हमारा जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 से हम देखते हैं कैसे कैसे लेना है। अब यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि आईटीसी लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम आईटीसी रिवर्सल की बात करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। ये सब आपको पता होगा कि जब भी कभी हम आईटीसी लेते हैं, हम लेते हैं 4AK5 में ऑल अदर आईटीसी में। लेकिन हमने एक एग्जांपल डाला कि भाई अगर मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स लिए, उस पर 18,000 का आईटीसी है, तो मैंने इस टेबल में क्लेम कर लिया, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मैंने उस गुड्स को वापिस कर दिया, तो भाई अब मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने कोई आईटीसी रिवर्स करना है तो उसे किस टेबल में दिखाऊं? तो बहुत लोगों का मानना यह है कि सर अगर आप आईटीसी रिवर्स करना चाहते हो तो आप क्या करो, 4A5 में ही दिखाओ, लेकिन उस मंथ के आईटीसी माइनस कर दो, मतलब कि नेट आईटीसी दिखा दो। अगर मैं बात करूं कि जनवरी में मैंने आईटीसी लिया और अब मैं मार्च में आईटीसी रिवर्स करना चाहता हूं, तो मार्च में जब आईटीसी रिवर्स करने की बात आ रही है तो मार्च की 3B में जितना भी मेरा आईटीसी है उस मंथ के आईटीसी में से मैं रिवर्स कर दूं, मतलब कि उसमें से माइनस कर दूं मार्च के आईटीसी में से और नेट ऑफ करके दिखा दूं। मान लो मार्च का आईटीसी 1.5 लाख का है और मुझे रिवर्स करना है 50,000 का, तो मैं नेट आईटीसी 1 लाख का करके यहां पर दिखा दूं। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको नोटिस आ सकता है। नोटिस आएगा और नोटिस में क्या लिखा होगा कि भाई जो तुमने ठीक है ना, जो तुम्हारे गुड्स रिटर्न है, जो भी तुमने परचेज करा था, आपने उसे वापस करा है, वो क्रेडिट नोट आपके 2B में शो हो रहा है। और ये जो क्रेडिट नोट 2B में शो हो रहा है, जो आपके सप्लायर ने बिल डाला है, मतलब कि क्रेडिट नोट डाला है, माल परचेज करा था जनवरी में लेकिन इसका रिवर्सल करना है मार्च में, तो इस तरह के जो क्रेडिट नोट आपके 2B में शो हो रहे हैं, आप इन सबको आईटीसी रिवर्स के अदर्स कॉलम में दिखाओ। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, अगर हम नेट ऑफ करके ही दिखा देंगे तो सही रहेगा ना, रिवर्सल करके नहीं दिखाते हैं, इससे हमारी जीएसटीआर 9 भी ठीक हो जाएगी। नहीं भाई ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत कर रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये गलत है या सही है, कौन सा मेथड सही है। मेरा मानना ऐसा है कि जब भी आप आईटीसी रिवर्स करोगे तो आपको रिवर्सल के लिए आईटीसी रिवर्स अदर्स में दिखाना है, ठीक है ना। आपका जो मार्च का आईटीसी 1.5 लाख रुपए का बन रहा है, आप पूरा आईटीसी क्लेम करो, और जो आपको 50,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना है वो आप आईटीसी रिवर्स अदर्स में करो। इससे होगा क्या, जब कभी आप अपनी जीएसटीआर 9 बनाओगे तो जितना आपने आईटीसी क्लेम करा है वो टेबल नंबर 6 में चला जाएगा जीएसटीआर 9 की, और जो आईटीसी रिवर्सल है या तो आप उसे टेबल नंबर 7 में दिखा देना या आप अपनी 6B से माइनस करके दिखा देना। लेकिन जीएसटीआर 9 के चक्कर में अपनी 3B को गलत मत करो। आप अपनी 3B में जब भी कभी आईटीसी रिवर्सल है उसे आईटीसी रिवर्स अदर्स में ही दिखाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप अपना व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब एक दूसरा मुद्दा होता है कि सर हमने ना अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी 180 दिन में, अब हमें उस आईटीसी को रिवर्स करना है, मतलब कि हमने माल खरीदा था लेट सपोज जून 2021 में और अभी मार्च चल रहा है लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, हम उस आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हैं तो कैसे दिखाएं? भाई फिर वही बात बता रहा हूं, अगर आप इस केस में आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हैं फिर भी आप आईटीसी रिवर्स अदर्स में ही दिखाएंगे, नेट आईटीसी नहीं करेंगे। अच्छा सर एक बात और बता दो, चलो हमने आईटीसी रिवर्स यहाँ पर दिखा दिया मार्च में कि हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद हमने फिर पेमेंट कर दी, तो अब हमें रिक्लेम करना है वो आईटीसी, वो किस में दिखाएंगे? तो भाई चाहे आपका रिक्लेम वाला आईटीसी है,
चाहे आपका ओरिजिनल आईटीसी है, सारा आईटीसी आप 4A5 में ही दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो आईटीसी रिवर्सल वाला है, चाहे आपने क्रेडिट नोट की वजह से कराओ रिवर्सल, चाहे आपने 180 डेज की वजह से रिवर्सल कराओ, वो सारा का सारा 4B अदर्स के अंदर ही आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई आईटीसी रूल 42-43 का है, तब आप 4B के 1 में दिखाओगे। और इसी तरीके से अगर आपने कोई गाड़ी परचेज कर ली है जो ब्लॉक आईटीसी है, उस वाले आईटीसी को आप यहाँ पर डी के अंदर दिखाओगे, आप उसे ऊपर नहीं दिखाओगे। ये बात आपको समझनी है। तो कई लोगों को आईटीसी में कंफ्यूजन है, आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। नहीं तो अभी हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट का सर्कुलर है, आप वो वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। और आपको अपनी बुक्स कैसे क्लोज करनी है, आपको ये डाउट रहता है ना, तो इसलिए हमने इस संडे को, हाँ जी 1 मई 2022 को शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का सेशन रखा है। इसमें हम बताएंगे अपनी बुक्स को सही से कैसे क्लोज करें, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, जो नई आईटीआर आई हैं उन्हें कैसे फाइल करें, आईटीआर फाइल करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चेंजेज हुए हैं फॉर्म में। तो अगर आप इस सेशन में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और अगर पूरा जीएसटी का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप पूरा कोर्स भी सीख सकते हैं, जिसमें हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। हाँ, मैगजीन मई की जो एडिशन आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। कुछ लोगों के आर्टिकल आ गए हैं हमारे पास, कुछ लोगों ने अभी आर्टिकल नहीं दिए। तो अगर आप भी अपना आर्टिकल प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। इस बार ना हमने एक नई चीजें और करी है। जैसे ना कई लोगों को ना ड्यू डेट्स का पता नहीं होता, कई लोग विश करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह के पैम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, फ्लायर बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम 1 साल के आपके पूरे फ्लायर्स बना बनाकर आपको देते रहेंगे, आपका नाम डालते रहेंगे, आपका फोटो डालते रहेंगे। तो आप इसके लिए हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये समझ आया या नहीं कि 3B में आईटीसी कैसे दिखाएं। अपनी 3B को गलत फाइल ना करें, अपना आईटीसी बिल्कुल सही दिखाएं। और ये जो हम क्वेश्चन आंसर डालते रहते हैं अपनी कम्युनिटी पर, इस क्वेश्चंस को पढ़ते रहे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।